हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ एल्गोरिथम की, आखिर एल्गोरिथम की नीड क्यों पड़ी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम को एनालिसिस कैसे करते हैं, जिसके दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर यहाँ पे हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा फैक्टर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आगे अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस, आखिर एल्गोरिथम को एनालिसिस करने के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, हमारी एल्गोरिथम कितने तरह की होती है। उसके बाद हम लास्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, कि आखिर किसी भी एल्गोरिथम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो जल्दी से हम देखते हैं कि नीड ऑफ एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम की नीड क्या होती है। तो सबसे पहली पॉइंट पे अगर हम बात करें तो किसी भी एल्गोरिथम की नीड क्या होती है कि टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है या कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो बेसिक्स आइडिया है वो हमें एल्गोरिथम के हेल्प से समझ में आता है कि आखिर हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें टू फाइंड एंड अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अप्रोच हमें प्राप्त होता है, एक अप्रोच मिलता है कि आखिर हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक, जिस टेक्निक्स का हम यूज करके, जैसे कोई टेक्निक्स है, अगर हम बात कर ले, जैसे हमारे पास कोई टेक्निक्स है ए, अगर हमारे पास ए टेक्निक्स है, अब हम ए टेक्निक्स का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि उस प्रॉब्लम की टेक्निक्स को सॉल्व, जिस टेक्निक से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। इंप्रूवमेंट मतलब कि उस टेक्नोलॉजी को हम अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं डे बाई डे। उसके बाद अगर हम बात करें कि टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन द एल्गोरिथम, की मतलब किसी भी जो भी एल्गोरिथम है, जैसे किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए जब एल्गोरिथम को राइट करते हैं तो उसके बेसिक्स, जो भी बेसिक्स प्रिंसिपल है डिजाइनिंग के, कि आखिर हम एल्गोरिथम को कैसे सॉल्व करें, तो उसके बेसिक्स प्रिंसिपल हमें अच्छी तरह से समझ में आते हैं। आगे अगर हम बात करें कि टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम विथ रिस्पेक्ट टू अदर टेक्निक्स, हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं किसी भी एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को अदर टेक्निक्स से, कि आखिर क्या ये हमारी एल्गोरिथम उस टेक्निक से ज्यादा बेटर वर्क कर रही है या कम बेटर काम कर रही है। जैसे अगर हमें मान लिया कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ए है जिसको सॉल्व करने का मेथड हमारे पास मान लो कि A1 है, और कोई प्रॉब्लम हमारे पास B है जिसको सॉल्व करने का हमारे पास टेक्निक्स B- है, तो हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या A टेक्निक, अब मान लो दोनों भी प्रॉब्लम, ये दोनों जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, ये दोनों प्रॉब्लम क्या है कि हमारे किसी जेड के लिए कोई एक हमारे पास प्रॉब्लम जेड है, जेड के लिए हमने एक सॉल्यूशन ए लिखा, दूसरा सॉल्यूशन बी लिखा। अब ए का सॉल्यूशन मान लो इसमें परफॉर्मेंस जो भी है हमारी, A- आ रही है और बी की B- है, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि आखिर कौन सी एल्गोरिथम बेटर वर्क कर रही है, तो इस चीज को भी हम एल्गोरिथम के हेल्प से समझते हैं। इट इज द बेस्ट मेथड टू डिस्क्रिप्शन विदाउट डिस्क्राइबिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, मतलब कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका एल्गोरिथम की नीड हमें क्यों पड़ी कि हम एक अच्छी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने डिस्क्रिप्शन को क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने, बिना इम्प्लीमेंट किए डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास ए है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने टेक्निक्स होते हैं और उस प्रॉब्लम को कितने स्टेप्स में हम सॉल्व करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बिना इम्प्लीमेंटेशन के। बिना इम्प्लीमेंटेशन के मतलब बिना कोड को हम राइट किए हम एल्गोरिथम के हेल्प से इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस भी जो भी प्रॉब्लम होगी इस प्रॉब्लम को इन नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व कर लेंगे। आगे अगर हम बात करें कि एक गुड डिजाइन कैन प्रोडक्ट एक गुड सॉल्यूशन, मतलब क्या करता है कि एक जो गुड डिजाइन है एक अच्छा सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम की फ्लो समझ में आती है कि आखिर प्रॉब्लम किस
फ्लो में चल रही है, कि प्रॉब्लम किस फ्लो में वर्क करेगी। आगे अगर हम बात करें टू मेजर द बिहेवियर, हम मेजर करते हैं बिहेवियर को, उसके बाद और परफॉर्मेंस, किसी भी एल्गोरिथम के बिहेवियर और उसके परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ऑफ मेथड ऑल द ऑल केसेस, जैसे तीन हमारे पास केसेस होते हैं, जनरली तीन केस होती है, उसमें क्या होता है कि हमारा बेस्ट केस होता है, वेस्ट केस और एवरेज केस होता है। बेस्ट केस मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एल्गोरिथम बहुत कम टाइम में परफॉर्म होती है तो उसको हम बेस्ट केस कहते हैं। वेस्ट केस का मतलब जस्ट उल्टा होता है कि कोई भी एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा टाइम ले रही, इनफाइनाइट टाइम कह सकते हैं कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसको हम वेस्ट केस बोलेंगे। एवरेज केस क्या होता है, बेस्ट केस और वेस्ट केस के बीच का जो एवरेज वाला पार्ट होगा उसको हम एवरेज केस कहेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम आगे वीडियोज में बहुत ही डीपली में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम के हेल्प से हम क्या करते हैं कि वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्स, हम किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर हमारा प्रोग्राम कितनी मेमोरी लेगा, क्या इनपुट लेगा और क्या हमें आउटपुट देगा। तो जब हम एल्गो को लिखते हैं, जैसे अगर हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं, जैसे हमने एल्गो लिखा तो हमें पता चला अगर ये 2 byte मेमोरी कंज्यूम करेगा और बी मान लिया हमने 4 byte कंज्यूम करेगा, तो हमें पता पहले से चल जाता है कि आखिर ये कितनी मेमोरी को, इसको इस प्रोग्राम को चलने के लिए कितनी मेमोरी की नीड पड़ेगी, कितने क्या क्या इनपुट्स की नीड पड़ेगी, क्या आउटपुट्स की नीड पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को डिफाइन करता है एक एल्गोरिथम। विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम वी कन्वर्ट आर्ट इनटू साइंस। तो एल्गोरिथम के हेल्प से हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हमारा आर्ट होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आर्ट हमारे अंदर जो होता है, उसको हम एक साइंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अपने आर्ट को कैसे साइंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम रियल लाइफ प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को जैसे मान लिया हमने कि अगर हमें कॉफ़ी बनानी है तो मल्टीपल स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले मिल्क यानी दूध को ऐड करना, शुगर को ऐड करना, फिर कॉफ़ी पाउडर को ऐड करना, देन अगेन हमारा क्या होता है कि कॉफ़ी बन के रेडी होती है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स, हमने 3 steps को फॉलो किया, दूध को गर्म किया और उसके बाद फिर शुगर को ऐड किया, फिर उसके बाद कॉफ़ी पाउडर को, तो ये जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं तो ये हमारा क्या था, आर्ट था। अब इनको अगर हम एक प्रोग्रामिंग के वे में लिख दे, अगर एक प्रोग्रामिंग के तौर पे लिख दे तो हमारा क्या होगा, साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की, किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे करते हैं, द एनालिसिस इज ए प्रोसेस एस्टिमेटिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। क्या है कि एनालिसिस क्या करता है कि किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को चेक करता है, जो 2 तरह के फंडामेंटल पैरामीटर बेस्ड पे काम करता है। पहला फंडामेंटल पैरामीटर हमारा क्या है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी अंडरस्टूड एंड एज द अमाउंट ऑफ द स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू रन द कंप्लीशन। मतलब किसी भी एल्गोरिथम को रन होने में कितना टाइम लग रहा है। मान लिया हमारे पास कोई एल्गोरिथम है, मान लिया हमारे पास कोई एल्गोरिथम ये है, अब इसको रन होने में हमें मान लिया कि यन टाइम लगता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, तो कितना मेमोरी कंज्यूम हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे कि मेमोरी को कितना ले रहा है। अब हमारा ये प्रोग्राम जो है वो मान लिया हमने कि 2 GB मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है कि इस प्रोग्राम को रन होने के लिए। तो वही है, किसी भी प्रोग्राम को रैम के अंदर रन होने के लिए कितनी मेमोरी की नीड पड़ेगी, उसी को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एंड इनपुट साइज n दैट रिफर टू द अमाउंट ऑफ द नीडेड बाय एन एल्गोरिथम द रन कंप्लीशन। मतलब किसी भी एल्गोरिथम को रन होने में कितना टाइम लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। कि किसी भी एल्गोरिथम को मतलब रन होने में कितना टाइम लगेगा, कोई भी हमारी एल्गो है, कोई भी प्रॉब्लम हमारी, अब उसको हम सॉल्व करने में हमने माना कि x टाइम लग रही है, कोई भी प्रॉब्लम b है उसको माना कि y टाइम लग रही है, ठीक है। तो अब ये जो टाइम होगी, ये जो टाइम हमारी लग रही है, x लग रही है, y लग रही है, यही हमारी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आगे अगर हम बात करें इनके बारे में, हम आगे बहुत ही डीपली में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डार सब्जेक्ट का। तो इसके बारे में हम बहुत ही एग्जांपल के साथ बहुत ही डीपली में डिस्कस करेंगे। सो आप इस सीरीज को, इस प्लेलिस्ट को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। आगे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस की, मतलब किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं।
तीन टाइप्स होते हैं उसको एनालाइज करने के, किसी भी प्रॉब्लम जो भी एल्गोरिथम होती है उसको एनालाइज हम तीन तरह से कर सकते हैं। पहला हमारा केस है बेस्ट केस। बेस्ट केस क्या होता है कि जो डिफाइन करता है कि लेस टाइम और मिनिमम टाइम, मतलब जब किसी भी हमें एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को राइट करते हैं और किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो कम से कम टाइम ले, उसे हम बेस्ट केस कहते हैं। ठीक है, बेस्ट केस कहते हैं कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम की लोअर बाउंड को कैलकुलेट करता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, इन द लीनियर सर्च व्हेन सर्च डेटा इज प्रेजेंट द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द लार्ज डेटा देन द बेस्ट केस। अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी लीनियर सर्च कर रहे हैं, मान लो अगर हमारे पास ऐसे एरे बना हुआ है, ठीक है, एरे हमने मान लिया बहुत ही लंबा एरे बना है, अगर हम इसमें किसी भी डेटा को फाइंड, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, अब हम 2 को फाइंड कर रहे हैं और हम फाइंड करते हुए जैसे एल्गो में आए पहले नंबर पे हमें 2 मिल गया तो उसे हम क्या कहेंगे, बेस्ट केस कहेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वेस्ट केस क्या होती है कि डिफाइन द इनपुट फॉर विच एल्गोरिथम टेक द लॉन्ग टाइम और मैक्सिमम टाइम, कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम को लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम को लेता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टाइम टेकिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेता है, तो उसे हम वेस्ट केस कहते हैं और इसे अपर बाउंड ऑफ एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, जब हम लीनियर सर्च कर रहे हैं तो हमारा डेटा क्या हो, सबसे लास्ट में प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे हम वेस्ट केस, क्योंकि भाई सबसे पहले तो आप इसको चेक करोगे, फिर इसको लास्ट में आप पहुंचोगे ना, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब मान लो अभी तो यहां हमने मारा कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्स का एरे है। अब मान लो अगर थाउजेंड्स का हो या फिर 1 लाख नंबर्स का इंडेक्स का एरे हो, तब वहां पे तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि हम हर एक पर्टिकुलर स्पेस पे जाके नंबर को चेक करने वाले हैं, तो वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा। आगे अगर हम बात करें एवरेज केस के बारे में, तो इन द एवरेज केस टेक द रैंडम इनपुट एंड कैलकुलेट द कंप्यूटेशंस टाइम फॉर ऑल इनपुट्स। क्या कह रहा है कि टोटल जितने भी इनपुट्स होते हैं, ये दोनों बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच में वर्क करता है। तो एवरेज केस के बारे में अगर हम बात करें, ऑल द रैंडम केसेस टोटल नंबर ऑफ केस, जितने भी रैंडम केस होते हैं डिवाइड उसको हम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ केस से, तो हमें एवरेज केस पता चल जाती है। अब अगर हम आगे बात करें कि टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम कितने तरह की होती है, तो एल्गोरिथम देखो बहुत सारी तरह की होती है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हमारी बहुत एल्गोरिथम आती है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन एंड मेनी मोर्स, बहुत सारी आती हैं, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बहुत ऐसी हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम आती है जिनके बारे में हम आगे बहुत ही डीप में डिस्कस करने वाले हैं सारी एल्गोरिथम। तो एक तरह की हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें कुछ नंबर पर्टिकुलर एक अन ऑर्डर में दिए होते हैं, उनको हमें क्या करता है, एक ऑर्डर में करना होता है, तो सॉर्ट करना होता है, तो वहाँ पे हम उसको सॉर्टिंग एल्गोरिथम बोलते हैं। फिर उसके बाद सर्चिंग एल्गोरिथम होता है। सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ATC, और भी बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिथम होते हैं। दिस एल्गोरिथम आर द यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ और रिकॉर्ड, तो मतलब हम क्या करते हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे नंबर दे रखे होते हैं। ठीक है, अब हमें बोल दे कि कोई पर्टिकुलर नंबर को हमें सर्च करना है, जैसे एरे अभी हमने बताया कि लीनियर सर्च के बारे में, अब ये एरे इसमें मान लिया हमने बहुत सारे नंबर रखे हुए, अब इसमें से हमें एक पर्टिकुलर नंबर को सर्च करना है, तो हमें वहाँ पे क्या, सर्चिंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं। सर्चिंग एल्गोरिथम भी बहुत सारी तरह की होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे क्या होता है, ग्राफ एल्गोरिथम होता है। ग्राफ एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज यूज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लाइक द फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द सिटीज रियल लाइफ प्रॉब्लम ECT। तो हम जैसे कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा गूगल मैप्स, गूगल मैप्स का इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन के अगर हमें क्या, हमने अगर हमारी ये पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है, अब हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन से एक डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमारे पास क्या है कि बहुत सारे वे हो सकते हैं। मान लो हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, अपने लोकेशन से एक दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए। तो हम ग्राफ एल्गोरिथम के हेल्प से ये फाइंड आउट करते हैं कि इस लोकेशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब सबसे छोटी रास्ता कौन सी पड़ेगी जिससे हम जल्दी पहुंच जाए, कम टाइम लगे और कम स्पेस भी लगे, स्पेस
इन द सेंस इसमें दूसरी चीज के बारे में बात हम करेंगे, लेकिन टाइम के बारे में अगर मान टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टाइम सबसे कम लगे तो उसे हम ग्राफ एल्गोरिथम के अंदर बात करते हैं। तो मोस्टली तीन तरह के एल्गोरिथम्स होती हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, ग्राफ एल्गोरिथम। इनके अंदर बहुत सारी तरह के एल्गोरिथम्स हमें पढ़ने को मिलेंगी, आगे हम सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे अगर हम बात करें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एडवांटेज, आखिर एल्गोरिथम के क्या एडवांटेज है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये क्या होती है कि आसानी से समझ में आती है, क्योंकि ये किसी भी लैंग्वेज पे इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज पे लिखी जाती है, मतलब किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं हमें सी में या सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऐसी लैंग्वेज में लिखना है, इसको हम चाहे जिस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक नॉन टेक्निकल बंदा भी किसी भी एल्गोरिथम को समझ सकता है कि आखिर एल्गोरिथम को कितने पर्टिकुलर स्टेप्स में सॉल्व किया जा रहा है। एंड एल्गोरिथम इज ए स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। तो क्या करती है कि एक एल्गोरिथम क्या करती है कि स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का एक स्टेप वाइज क्या करती है, हमें प्रॉब्लम को जो भी गिवन हमने सॉल्यूशन दिया है, हमें प्रॉब्लम दिया हमने उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर हमने नंबर ऑफ फोर लाइंस यहां पे हमने लिखे हैं, किसके, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिखे हैं, तो ये क्या करता है कि जो भी एल्गोरिथम होती है उसको इसका सॉल्यूशन हमें हर लाइन में रिप्रेजेंट करती है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। सो इट कैन इजली बी अंडरस्टूड बाई एनीवन, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है। डिबग और इरर फाइंडिंग, डिबग और इरर फाइंड में ईच स्टेप इज द इंडिपेंडेंट, सारे स्टेप क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। इन ए फ्लो सो विल बी ईजी टू स्पॉट एंड फिक्स द इरर। तो हम क्या करते हैं, किसी भी इरर को जब इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में लिखी होगी तो हमें इरर और डिबग को फाइंड करना आसानी होगा। आसानी का मतलब है इरर क्या होता है कि क्या हमारी एल्गोरिथम में प्रॉब्लम्स है, क्यों हमारा एल्गोरिथम पूरी तरह से रन नहीं कर रहा है, आखिर एल्गोरिथम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा है। तो हमारे क्या होंगे, इरर होंगे, कुछ इरर होंगे, उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सब प्रॉब्लम्स, अब सब प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, अगर हमने मान लिया कि हमारी प्रॉब्लम बहुत ही लंबी होने वाली है, ठीक है, जब हमारी प्रॉब्लम बहुत ही लंबी होती है तो हम उसको क्या करते हैं कि सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने का मतलब है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब इनको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद हर एक, अब इसको हमने एक प्रॉब्लम हमने मान लिया, ठीक है, अब ये हमारी एक प्रॉब्लम होगा, ये दूसरी प्रॉब्लम, ये तीसरी, अब उस सब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के फिर हम उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, उसके बाद इसको छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं। तो सब प्रॉब्लम से एल्गोरिथम की सबसे बड़ी एडवांटेज है सब प्रॉब्लम से, हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के रूप में बना के इजिली टू आसानी से कोड भी कर सकते हैं और आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम के बारे में बात करें कि राइटिंग एन एल्गोरिथम टेक ए लॉन्ग टाइम, सो इट इज द टाइम कंज्यूमिंग। तो क्या होता है कि कभी कभी एल्गोरिथम क्या करता है, लॉन्ग टाइम लेता है, तो उसको हम टाइम कंज्यूमिंग बोलते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो इनफाइनाइट टाइम तक चलने लगते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कभी कभी होता है, तो उसको हम कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग भी हमारा एल्गोरिथम होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एल्गोरिथम कैन बी वेरीफाई डिफिकल्ट। तो क्या होता है कि कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स लॉजिक का भी यूज किया जाता है, ठीक है, कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स लॉजिक का यूज किया जाता है एल्गोरिथम, तो वहां पे एल्गोरिथम क्या हो जाती है, वेरी डिफिकल्ट हो जाती है, हमारे हमको समझ में नहीं आती कि आखिर इस एल्गो के अंदर लिखा क्या है, या फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहें, क्योंकि जहां पे लॉजिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक का यूज किया जाता है वहां पे हमारी एल्गो डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए समझना। उसके बाद ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट डिफिकल्ट सो इन द एल्गोरिथम। तो इसके बारे में बात करें, जैसे ब्रांचिंग और एल्गोरिथम, जैसे हमने यहाँ पे अगर बात करा, हमने फॉर लूप लगा दिया, ठीक है, इसके अंदर हमारे पैरामीटर्स हो गए, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में, तो अब इसको शो करना किसी भी एल्गोरिथम में इसको शो करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब इसी तरह ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग मतलब अगर एक पार्ट से कई पार्ट जुड़े हुए हैं हमारे, तो उस ब्रांचिंग को शो करना एल्गोरिथम के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।